2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, इसके लिए तो नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने जो तैयारी की है वो विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी। देखिए, के चुनावों में बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये टारगेट हासिल किया जा सकता है। बीजेपी ने गुजरात में डिजिटल संवाद के सफल प्रयोग के साथ अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल कर रखी है। पिछले साल जनवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ऐप के जरिए गुजरात के पेज समिति के कार्यकर्ताओं से संवाद किया था। इसके बाद हुए चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ सीटें हासिल की और गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। इसी प्लान के तहत भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत 19,000 संगठनात्मक बोर्ड, 10 लाख बूथ पर 3 करोड़ कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ महासंवाद किया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान शुरू किया गया था, जो इस महीने में पूरा होगा। बीजेपी इसमें एक बार फिर संपर्क से समर्थन जुटाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यूपी में इसकी जिम्मेदारी सीएम योगी ने संभाल रखी है। सीएम योगी प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं और जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं, जिसमें सीएम योगी जनता को केंद्र के 9 साल के कामकाजों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। वही माफिया के बहाने विरोधियों पर भी निशाना साध रहे हैं। मौसम की कितनी बड़ी कृपा, जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए वैसे मौसम भी ठंडा हो गया है। लोकसभा चुनाव में संघ का फोकस भी यूपी पर है। अभी लखनऊ में संघ की अहम बैठक चल रही है। वही 1 जुलाई से संघ प्रमुख 5 दिन के यूपी प्रवास पर आ रहे हैं। संघ प्रमुख कई बैठक में हिस्सा लेंगे और यूपी के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा कर सकते हैं। उधर विपक्ष की बात करें, पटना में महागठबंधन की महाबैठक के नतीजे अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। बैठक के बाद जिस तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं, उससे एकजुटता का संदेश नहीं जाता। सिर्फ आप और कांग्रेस ही नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टियां और टीएमसी भी आमने सामने नजर आई। ये मतभेद उस वक्त है जब सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू भी नहीं हुई है। ये मतभेद उस वक्त है जब विपक्ष के चेहरे को लेकर चर्चा भी नहीं।